प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने पड़ोसी को वश में कर सकते हैं, किस तरह बहुत ही सरल तरीके से आप अपने पड़ोसी को, अपने दुश्मन को, किसी को आप वश में करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। आपके आपके पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं या फिर आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो किस तरह आपको अच्छे संबंध बनाने हैं, किस तरह आप ये कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, मात्र एक पानी का ग्लास, जी हाँ, मात्र एक पानी का ग्लास, ये आपको आपके पड़ोसियों से संबंध सुधारने में मददगार सिद्ध हो सकता है। लेकिन किस तरह आपको ये करना है, किस तरह, क्या वो विधि है जो मात्र एक पानी के ग्लास से संभव है, एक ग्लास पानी किस तरह वशीकरण कर सकता है, किस तरह आपके पास आपके पड़ोसियों को ला सकता है, आपके संबंध सुधार सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं विधि से। मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसमें हमें आवश्यकता क्या है, और इसमें आवश्यकता हमें कुछ नहीं है, हमें आवश्यकता है मात्र एक ग्लास पानी की। जी हाँ, ये एक ग्लास पानी और एक सिद्ध मंत्र जो मैं आपको बताऊंगी, जो सिद्ध मंत्र मैं आपको बताऊंगी, वो जो मंत्र है उसको जब आप जाप करेंगे, मात्र 21 बार उस मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो वो व्यक्ति, वो इंसान आपकी ओर खिंचा चला आता है, आपके लिए पागल हो जाता है और आपके बिना रह नहीं पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपका जो अपना है, जो पड़ोसी आपके हैं, जिनसे आपकी बनती नहीं है, आपके संबंध उनके साथ खराब है, उन संबंधों को आप सुधारना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, तो इस विधि, इस तरीके को अपनाइए और मात्र एक पानी के ग्लास के प्रयोग से उनको अपने पास लाइए। तो आइए दर्शकों, मैं आपको बताती हूँ किस तरह इसका प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रचंड विधि है जिसका प्रयोग आप तभी करें जब आप इसका प्रयोग सही सोच के साथ करें, सही तरीके से जब आप इसका प्रयोग करें तभी आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये असर भी तभी करेगी अगर आप गलत तरीके से या गलत मंशा से आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये असर नहीं करेगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह मात्र एक पानी के ग्लास से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें किसी भी दिन दर्शकों सुबह उठकर, जरूरी नहीं है कि हम नहाए हैं या मतलब हम नहाना ना नहाना कोई जरूरी नहीं है, इस विधि को आपको सुबह करना है। और सुबह करना क्या है, एक ग्लास पानी लेना है, एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए जहां आपके आसपास कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हो, वहां जाकर आपको एक ग्लास पानी लेना है और आपको क्या करना है, उस इंसान के बारे में सोचना है। जी हाँ, उस इंसान के बारे में सोचिए जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस जिस पर आप अपना ओर खींचना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी ओर खींचा चला आए, उसका ध्यान कीजिए, उसको अपने मन में समाइए, उसका ध्यान कीजिए। और आगे क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, उस व्यक्ति का ध्यान करना है, और जो मंत्र अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सिद्ध मंत्र मैं आपको बताऊंगी, उसका प्रयोग कर आप उस व्यक्ति को, उस इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। और वो मंत्र है, इस तरह आपको पानी का ग्लास लेना है और आपको मंत्र उच्चारण करना है, ओम चिमे चिमे स्वाहा, ओम चिमे चिमे स्वाहा, ओम चिमे चिमे स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, ये वो मंत्र है और इस मंत्र का मात्र 21 बार आपको उच्चारण करना है।
और इस उच्चारण के बाद जब आप इसका उच्चारण खत्म करेंगे तो ये जो जल है ये जल किसी भी पेड़ पर चढ़ा दीजिएगा, कहीं भी आप इस जल को प्रवाह कर दीजिएगा और इसके बाद आपके पड़ोसी आपके अपने बन जाएंगे, आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे और वो खुद अगर आपसे बात करेंगे आपसे रिश्ते सुधारेंगे। तो अगर चाहते हैं रिश्ते बनाना, चाहते हैं अपने अपनों को पास करना तो इस विधि का, इस तरीके का सही तरीके से प्रयोग कीजिए और ध्यान रहे जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको इसको प्रयोग में लाना है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका प्रयोग करें और अपने दूर गए लोगों को अपने पास लाएं। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, किसी दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, अपनी दिक्कत अपनी समस्या गुरु बताइए और वो आपको एक सरल समाधान देंगी जिसके प्रयोग से आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रख कॉल करना है अगर आपको कोई दिक्कत और समस्या है। जय माता दी।